नमस्कार दोस्तों, मैं नाम विनीत और स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ शुगर केन मशीन, जो कि चलेगी बिना बिजली के। जी हाँ, बिल्कुल बिना बिजली के, क्योंकि ये चलने वाली है होंडा मोटर इंजन पे। तो जानेंगे हम इसके बारे में क्या इसके रहने वाले फीचर्स, इसका डेमो आपको करके दिखाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल जो मशीन चलती थी शुगर केन मशीन और इस मशीन के अंदर क्या फ़र्क है, जो न्यू जनरेशन मशीन है। तो इस वीडियो में जुड़े रहें शुरू से लेकर अंत तक, कोई भी चीज़ पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर आप शुगर केन जूस का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो लेट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं कि क्या दिक्कतें आती थी हमें ट्रेडिशनल शुगर केन मशीन यूज़ करने में। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, उसको लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना वो बहुत मुश्किल होता था। आप इसको देखेंगे कॉम्पैक्ट इन साइज़ रहने वाली और जो टोटल वेट रहने वाला वो 58 kg है, जिसको आप किसी भी गाड़ी के अंदर ईजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आपको मूव करना है वो आसानी से आप मूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो रहने वाला है इसके बाद, आप देखेंगे कि जब हम शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट करते थे उसको 3-4-5 बारी लगे रहते थे, तब जाके हमारा एक्सट्रैक्शन जो होती थी 50-60% के बीच में आती थी। मतलब 1 किलो में 500-600 ग्राम जूस निकलता था, जबकि आप इसमें एक ही बारी में जब निकालेंगे तो आपका 60-70% मतलब 600-700 ग्राम आपका जो है जूस निकल जाएगा। उसके बाद दिक्कत क्या आती थी, जो वो होती थी वो बहुत अनहाइजीन होती थी, क्यों हमें बार बार हाथ लगाना पड़ता था, इधर से निकाल, दूसरे से पकड़ के फिर खींच, फिर तीसरे निकाल फिर खींच, और गंदी इतनी लगती थी, मच्छर भिनभिनाते रहते थे। सेम इसके अंदर ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्यों इसका जो नोज़ल है पूरा बंद है, पीछे से पूरी पैक्ड आपकी मशीन रहने वाली है। उसके बाद जो दिक्कत आती थी कि जो इसका जो रोलर होते थे वो लोहे के अंदर होते थे, इसका जो रोलर है वो SS304 ग्रेड के अंदर रहने वाला है, जो कि फूड ग्रेड आपका स्टील है। उसके बाद हमें क्या दिक्कत आती थी सबसे बड़ी, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, जो लोगों के हाथ इसके अंदर फंस जाते थे, चोटें खा लेते थे, कईयों के तो पट्टियां लगी पड़ी होती थी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों आप अपना एक हाथ, अपना मतलब जिससे आप कमा रहे हो उसी को हाथ को अगर आप ख़राब कर दो तो कितनी बड़ी दिक्कत है, फैमिली की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है किसी को अगर चोट लग जाए जो आपका एक बिजनेस कर रहा हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें रहती थी जो हम ट्रेडिशनल शुगर केन मशीन यूज़ करती थी, वो इसके अंदर ये दिक्कतें आपको नहीं मिलने वाली। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेमो की तरफ, तो चलिए जानते हैं इसका डेमो, देखते हैं इसका डेमो कैसे रहने वाला है। तो चलिए हम करते हैं इसका डेमो, सबसे पहले हम करते हैं शुगर केन का वजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी 0-0 आपको शो हो रहा होगा। तो अब हम इन दो गन्नों को रखेंगे जो कि 1 kg के हैं, अभी मैंने इसको रखा तो वज़न कितना आया जी, 1 किलो वज़न आपका देख लीजिए आपका सामने आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, और अब हम जो अपना जो जग है जिसके अंदर हम जूस निकालने वाले हैं, इसको हमें 0 करके रखना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कितना ग्राम हमारा जूस निकला है। तो यहाँ पर मैंने ये जग रखा, ये 640 ग्राम का है, और इसको मैं यहाँ पे 0 टायर पे क्लिक कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -640-620 दिखाएगा, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमें इसको कैसे चलाएंगे, उसको चलाने का यहाँ पे देखो ऑन ऑफ का आपको स्विच दिया हुआ है, तो अभी ये ऑफ मोड में है, अभी इसको हमने ऑन करेंगे यहाँ से, और जो इसको है हमने इसको खींचना है, यहाँ से खींचेंगे तो ये चालू हो जाएगा। अभी जैसे ये मान लो कि ठंडा पड़ गया है, तो इसको हमारे पीछे चौक दिया हुआ है, तो उस चौक को यहाँ से खींचेंगे हम, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से रस्सी की सहायता से खींचेंगे, तो ये अपना चालू हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको डाउन कर देंगे, ये अपनी मशीन चालू हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना, अपने जैसा गन्ना है इस गन्ने को लेंगे और सीधा इसमें डालेंगे, डालने के बाद इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे गूदा आ रहा है अपना, एकदम देखेंगे इसमें कोई आपको दिख रहा है रस, मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई, ये सीधा पीछे अपना। अब ऐसे ही हम अपना दूसरा गन्ना लेंगे,
ये आप देखेंगे मोटा करना है, वो छोटा था अब ये मोटा रहने वाला है। इसको भी हम सेम प्रोसेस से डालेंगे अंदर, कोई हमें पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्या अलग से पुश करने की ज़रूरत है। बीच में फंस जाए तो डाल भी सकते हो, और ये पीछे से अपना निकले जा रहा है, पीछे कलेक्ट हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और देखेंगे कि हमारा कितना जूस निकला है। तो अगर हम ml की बात करें कितना ml जूस निकला है, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना हमारा ml जूस निकला है। तो यहाँ पे आपको ml दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारा 500 से थोड़ा प्लस आपका 550 ml के करीब जूस है जो वो निकला। अगर आपका 200 ml का या 250 ml का ग्लास है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पीछे देखेंगे हमारी मेजरमेंट दी हुई है कि एक कप यहाँ पे है, दूसरा जैसे यहाँ पे कप दे रखा है, तो ये एक मेजरमेंट के लिए दे रखा है कि 250 ml का एक कप बनाया हुआ है। अब वजन की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि -620 हो रखा है जो हमने इसको जो इसका वजन किया था जार का। अब यहाँ पे रखते हैं तो हमारा वजन आप देखो कितना, 620 ग्राम ही जो जूस है हमारा निकला है। तो लगभग हमारे सक्सेस रेशियो रहा है 62% के आसपास, जो हमारा है वो सक्सेस रेशियो इसके अंदर रहा है। डिपेंड करता है कि आप कैसा गन्ना यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हमारा मेन मकसद है कि हम इसमें जो मशीन का है वो डेमो करके दिखाएं, मशीन कैसे यूज़ होती है उस तरीके से दिखाएं कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन मकसद हमारा ये है। चलिए अब इसके बारे में, हम इसके फीचर्स के बारे में चलते हैं और फीचर्स जानते हैं क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं शुगर केन मशीन के फीचर्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो फीचर है इसके अंदर, जो पेट्रोल इंजन जो यूज़ हुआ है होंडा का यूज़ हुआ है, जो कि आपका 300 ml पेट्रोल यूज़ करेगा, वो भी एक घंटे के अंदर। मान लीजिए 1 लीटर आपका पेट्रोल 100 रुपये का, तो 30 रुपये का आपका ये पेट्रोल यूज़ करने वाला है, जो कि बहुत बड़ा फीचर है। और बात करें कितना जूस निकालेगा, तो लगभग 300 गिलास जूस एक बारी में ये निकाल देगा एक घंटे के अंदर। और उसके बाद बात करें मेन, तो इसको क्लीन करना बहुत ही ईजी है, आप इजली इसको क्लीन कर सकते हैं। और वारंटी की बात करें, इसके अंदर हम आपको 1 साल की वारंटी साथ में दे रहे हैं। कोई भी आपको मशीन में दिक्कत आती है 1 साल के अंदर, तो आपको इसको सीधा आप लेके आएँ और हम आपको इसको बिल्कुल नया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको इसको ठीक करके देंगे। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अगर इन फ्यूचर कुछ आ जाती है, ऐसी कोई टेक्निकल इशू कुछ भी आता है, तो आपको नीचे नंबर दिया हो उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। और ऑर्डर करना है आपको, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो नीचे नंबर दिया हो उस पर आप कॉल कीजिए, हमारे अधिकारी आपको बात करेंगे और सब कुछ बताएंगे। टाइमिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 11 to 6 है, संडे क्लोज होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगी अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके आते समय में रोज़ ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अग्रीत इंडस्ट्रीज, गुड बाय।